हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चीज पनीर पराठा। तो ये चीज पनीर पराठा इतना अमेजिंग होता है और इतना डिलीशियस होता है कि आपके बच्चे तो बस खुश हो जाएंगे। तो हम बहुत टाइप के पराठे बनाते हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बहुत सारे पराठे, पर ये चीज पनीर पराठा, इसका मतलब चीज और पनीर का जो कॉम्बिनेशन है, ये पराठे एक बार आप बना के देखिए। तो चलिए और ज्यादा बात ना करके हम शुरू करते हैं आज का पराठा बनाना। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदा, मैंने पहले से मैदे का एक डो बना के रखा है। एंड गाइस बिलीव मी, इसमें कोई भी स्पेशल चीज ऐड नहीं किया गया। जैसे कि सिंपल पराठा डो आप बनाते हैं, मैदा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और सॉल्ट के साथ, बिल्कुल उसी तरह से मैंने पराठा डो बनाई है। और एक घंटे के लिए इसे ऐसे सेट होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पराठा डो। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस पराठा का स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पनीर को बिल्कुल शेव की तरह इसे ग्रेट करके रखा है कद्दूकस से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब जितना आपके लिए पॉसिबल है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये रहा पनीर, और पनीर के साथ अभी मैं ऐड करने वाली हूँ सेम क्वांटिटी का चीज। तो ये मार्केट से लाया गया चीज है जो कि पहले से ऐसे ही कटिंग में आया था। तो सेम क्वांटिटी का भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी का, मतलब पनीर थोड़ा सा ज्यादा और चीज थोड़ा सा कम, इस हिसाब से भी आप इसे ले सकते हैं। पर जबकि चीज पराठा मैं बना रही हूँ तो मुझे लगता है कि सेम क्वांटिटी का रखना ही सही रहेगा। गाइस, अभी इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। ये मैं ले रही हूँ आधा कप के करीब। चिली आप ऐड कीजिए आपके जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। ये रहा चॉप्ड गार्लिक, और ये गार्लिक इस पराठा को एक अलग ही फ्लेवर देगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं चॉप्ड गार्लिक यूज कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसके साथ मैं 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला यूज कर रही हूँ। ब्लैक पेपर भी यूज कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, पर सॉल्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम यूज करूंगी क्योंकि मैदा में भी सॉल्ट है और चीज भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो इसलिए सॉल्ट जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जी हाँ, डो की तरह बिल्कुल ये स्टफिंग को भी थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अभी हमें एक गोला लेना है और उसके बाद इसे छोटा सा एक रोटी के साइज में रोल करना है। और बिल्कुल इसके बीचों बीच हमें भरना है स्टफिंग, और चारों तरफ से इसको ऐसे स्टिक कर देना है, बिल्कुल पोटली की तरह ऐसे स्टिक कर देना है। इस तरह से सारे डो को मैं ऐसे पोटली की तरह इसके स्टफिंग भर के बना लेती हूँ। उसके बाद हम शुरू करते हैं पराठा फ्राई करना। अभी थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, और फिर एक एक गोला हमें लेना है और इसे अच्छे से बहुत ही सावधानी से रोल करना है ताकि अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर निकल ना आए। बहुत ही हल्के से करना पड़ेगा इसे, और ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा अगर होगा तो ये निकल सकता है स्टफिंग बाहर की तरफ। और एक चीज, जितना इसे आप थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो उतना ही जब इसे तोड़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि चीज भी ज्यादा रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल पिज्जा की तरह। तो ये हो गया तैयार हमारा फर्स्ट पराठा। सो अभी गाइस हम इस पराठा के दोनों साइड अच्छे से शेक लेंगे और उसके बाद ऑयल या घी से इसको फ्राई करेंगे। सो गाइस, ये रहा हमारा पराठा, अब देख सकते हैं। और ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये तोड़ के दिखाना। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पनीर और जिसका जो स्टफिंग है ये काफी अच्छी तरह से ये विजिबल है, और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा जूसी है। और ये पनीर के साथ चीज जो मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होके एक इतना अच्छा एक स्टफिंग बना कि ये देखते से ही खाने का मन करता है।
सो गाइस, आज का ये जो रेसिपी है, आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और ये बड़ों के लिए भी काफी अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप कि इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करेंगे और आपके बच्चों को अगर कुछ अलग खाने का मन करे तो इस तरह से पराठे यानी कि हेल्दी चीज भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं और कभी कभी टेस्ट का भी चेंज हो जाता है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के और भी कई सारे रेसिपीज मैं आपके लिए लाऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और झटपट बन जाने वाला होगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।